सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि मैंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, आपको क्या लगता है ये दावा कितना सच है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट तो आई थिंक ये बड़ा प्री मेच्योर दावा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े वनरेबल हैं, बड़े रेटिक भी हैं। कुछ बेहतरी डेफिनेटली आई है जब से आपने ये IMF प्रोग्राम हुआ है, उसके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन आई है, लेकिन जितनी बेहतरी आनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकॉनमी इस वक्त ग्रोथ की तरफ जा सकती है। अब ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर जो है, अपने मुल्क की प्राइवेट सेक्टर है, वो भी भरपूर तरीके से इन्वेस्ट करे और उनको देख के फिर बैरूने मुल्क से भी इन्वेस्टर्स आएँ। देखें, सऊदी अरेबिया हमारा बहुत अजीज़ दोस्त है और वो हर हालत में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी खुशी के साथ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की मदद करने के लिए कर रहे हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे हम हालात ऐसे बनाएं जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कामयाब हो और बेहतरीन तरीके की हमारी अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए जिसके तहत हमारे अपने लोग भी इन्वेस्ट करने, और ये बेयकीनी की जो सूरत हाल है कि कल किसी को पता नहीं होता कि कल क्या होगा, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने ये तो क्या सलमान साहब ये इंडिकेटर्स जो हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉलिसी रेट जो है वो 29% से 14.5 तक आ गया है, और अगर रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स की भी बात करें तो उनमें भी बेहतरी ही बताई जा रही है। इसके अलावा महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पर भी आ गई है। देखें, बात ये है कि ये महंगाई बहुत बड़ी कॉस्ट पे कम की गई है, और कॉस्ट ये है कि बेरोज़गारी, कॉस्ट ये है कि लोगों को अपने जो अखराजात हैं वही पूरे नहीं हो रहे। बिजली का बिल देते हैं तो खाना नहीं खा सकते, खाना खाएं तो स्कूल नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान के अवाम की तो इस वक्त हालत जो है वो बहुत ख़राब है। इस हालत में अगर महंगाई कम हुई है तो डिमांड ही नहीं है ना, जब डिमांड नहीं है किसी चीज़ की तो महंगाई कैसे होगी? लोग जो पहले दो रोटी खाते थे उनकी दो रोटियां भी पूरी नहीं हो रही, और अभी तक हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल उसी तरह आसमान पे हैं। इवन तो बहुत बातचीत होती है कि नीचे आ रहे हैं। तो इस वक्त जो महंगाई कम हुई है वो लैक ऑफ डिमांड से है, डिमांड मैनेजमेंट इतनी ज्यादा की है। इस हवाले से आज ठंडी हवा आई है सलमान साहब, आज IPPs के 5 कंपनी से जो हैं वो मुआहदे ख़त्म हुए हैं, तो हो सकता है शायद आने वाले वक्त में मज़ीद IPPs के मुआहदे ख़त्म हो जाएं और बिजली जो है वो सस्ती हो जाए, ऐसा वज़ीरे आज़म भी कह रहे हैं, ऐसा वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं। नहीं, वो मतलब खुशफहमी में है कि ये बिजली की कमी हो जाएगी। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली के रेट हैं और जो हिंदुस्तान में हैं या जो इस खित्ते में हैं वो हमारे से आधे रेट हैं। सो अभी तो हमारी अगर ये और बढ़ने से इंडिया और पाकिस्तान का तो कंपैरिजन मुझे लगता है बनता ही नहीं है सर। इंडिया तो बिजली का जहाँ तक बिजली का मामला है वो भी उन्हीं चीज़ों से बिजली बनाते हैं जिनसे हम बनाते हैं, और हमारी बिजली जो है वो मस्नूई तौर पे बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गलत वायदे भी किए हुए हैं और चोरी भी बहुत करते हैं और इनएफिशिएंसी भी बहुत है, और बिजली में हर तरह की ख़राबी है जो ठीक करने के लिए आपको बहुत मेजर काम करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन आप उठें और आप कहें जी हाँ जी सारा कुछ ठीक हो गया।
वज़ीर आज़म भी तो सर यही कह रहे हैं कि रातों रात तो कोई चीज़ ठीक नहीं होती है। उनका मेन फोकस जो है इस वक्त मईशत पे है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मईशत किसी तरह स्टेबल हो जाए। और अगर हम बात करें आर्मी चीफ की, तो उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा किरदार निभाया है और वज़ीर आज़म ने उनके किरदार को सराहा भी है। देखें, बात ये होती है कि ख्वाहिशें तो सारी की सब की ख्वाहिश यही होती है कि इकॉनमी अच्छी करे, तेज़ी से ग्रो करे, बेशुमार जॉब्स बने, नौजवान नस्ल जो है उसको उसकी आमदन शुरू हो, आमदन बढ़े, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बढ़े, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़े, पाकिस्तान की जो लाइवलीहुड्स हैं वो बेहतर हों, हमारे शहर बेहतर हों, हमारे देहात बेहतर हों, ये सब की ख्वाहिश यही है। लेकिन ये करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, नारेबाजी से तो नहीं हो सकता। अगर आपने यही कहना है कि जी आईएमएफ प्रोग्राम क्योंकि हमने दस्तखत कर दिए हैं और उसके बेसिस पे हमने आवाम को निचोड़ के रख दिया और अब सब कुछ ठीक हो गया, तो ये तो नहीं ठीक हुआ ना। अभी तो बहुत काम करना है, अभी आपने इस इकॉनमी का रुख चेंज करना है। हमारी इकॉनमी जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही जिस हिसाब से करना चाहिए। जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितनी हमारा यूथ बल्ज है, जिस तरह की हमारी लोकेशन है, हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 100 अरब डॉलर से ऊपर होनी चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तो यहाँ तो नौकरियां बेशुमार होनी चाहिए, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सलमान साहब, आपको क्या लगता है ये कैसे मुमकिन है? क्या सियासी इस्तेहकाम के साथ ही इस्तेहकाम आएगा? बिल्कुल, ये तो एक क्विड प्रो को है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप नहीं लाएंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होगी, और अगर होगी भी तो वो बड़े लोअर ऑर्बिट में होगी। इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है 2-3% से भी नीचे है, हमें तो 8-9% की ग्रोथ चाहिए। उसके लिए एक टोटली डिफरेंट ओरिएंटेशन चाहिए। हमें जो इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं इकॉनमी पे वो ख़त्म करने पड़ेंगे, हमें गवर्नेंस अपनी बहुत बेहतर करनी पड़ेगी, हमें हुकूमत के अखराजात हैं। हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ रहा है, आपको क्या लगता है ये दावा कितना सच है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट तो आई थिंक ये बड़ा प्री मेच्योर दावा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े वनरेबल हैं, बड़े रेटिक भी हैं। कुछ बेहतरी डेफिनेटली आई है जब से आपने ये आईएमएफ प्रोग्राम हुआ है, उसके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन आई है। लेकिन जितनी बेहतरी आनी चाहिए, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकॉनमी इस वक्त ग्रोथ की तरफ जा सकती है। अब ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्राइवेट सेक्टर जो है, अपने मुल्क की प्राइवेट सेक्टर है, वो भी भरपूर तरीके से इन्वेस्ट करे।